डॉक्टर खुराना ने एक ऐसा लिक्विड इजाद किया है कि अगर उसको मुर्दे पे डाल देना तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। जल्दी से आ जाओ विभू, देखो मैं अकेले नहीं मरना चाहती, तुम्हारे साथ मरना चाहती हूँ। लड्डू के भैया, हम भी आपकी गोद में मरना चाहते हैं। अरे संतन जी, मौका अच्छा है, चलिए यहाँ पर हम कहीं भाग चलते हैं। चलिए संतन जी, आप तो ज़ॉम्बन जी हो गए हैं। फालतू की चीज, जॉम्बी वॉम्बी सारे तो जान लेकर ही छोड़ेंगे। मैं ना कटवाऊंगा, मैं ना बनना चाहता यार। भरी जवानी में मर गए बिना शादी के तो कहा है गोया जॉम्बी। बलखान, बलखान मेरे दोस्त, अरे यार ये का लगा रखो है यार, इस फालतू की चीज छोड़, चल घर पर चल यार, रोटी वोटी खाएंगे, दारू वारू पियेंगे, आज क्या कर रहे हैं, आ जा चल। और छोड़ यार बलखान, बलखान तो मेरे दोस्त है यार, बड़े मेरे अपन तो बचपन के दोस्त है बलखान, अब छोड़ बलखान, देख 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 बलखान, गॉड ओ गॉड, भाभी जी ज़ॉम्बी नहीं बन सकती। This is very unfair, God. This is not done. This is. भाभी जी, I must tell you कि आप zombie बनके भी कत्ल कर रही हैं, कयामत लग रही है। पर भाभी जी, जिस दुनिया में आप zombie हो और मैं एक इंसान, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दुनिया, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाभी जी, take a bite. जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां। I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. भाभी माँ, ड्रीम होता है पगली, सही पकड़े हैं। अका अका देखे क्या हो बेटा, ऐसा क्या सपना देख लिया जो इतनी जोर से चीख पड़े? भाभी माँ,
भैया मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा है। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। हेलो अनीता जी। हेलो भरभूति जी। अरे लड्डू इतना परेशान क्यों लग रहा है? भाभी जी इसने सपने में कोई भयानक ख्वाब देख लिया। लगता है लड्डू ने ख्वाब देखा है कि तिवारी जी गुलफाम के लिए कोठे पे रंगे हाथों पकड़े गए और पुलिस इनके डंडे बजा रही है। ये क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप है? बच्चे के सामने से वाहियात बातें कर रहे हैं। क्यों बेबू ऐसी फालतू की बातें बोलते हो? चुप रहो ना। I'm sorry, baby. हाँ देखो तानसेन नाइलो, हाँ अभी हमको बताओ का सपना देखे। भाभी माँ मैंने ये देखा कि आप भैया, विभूति भैया, अनिता भाभी, फिर डॉक्टर साहब, हप्पू सिंह जी और फिर टीलू भैया, टीका मलखान, सबके सब ज़ॉम्बी बन गए। तो बहुत भयानक सपना है, बहुत भयानक। अरे क्या खतरनाक सपना है, दिन भर मोबाइल पर ज़ॉम्बीज़ के गेम खेलता रहता है, रात भर दिमाग में ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी घूमता रहता है इसके। हाँ लेकिन सुबह का सपना सच होता है लड्डू के भैया। भैया किसने ज़ॉम्बी देख लिया? लड्डू ने ज़ॉम्बी देख लिया ख्वाब में। क्या ज़ॉम्बी देख लिया? अजीब इत्तेफाक है। कैसा इत्तेफाक? भैया ये प्रोफेसर खुराना है। नमस्कार। और उन्होंने बड़ा ही अजीब तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया है। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं प्रोफेसर साहब? भाभी जी ये प्रोफेसर खुराना ने एक ऐसा अमल बनाया है कि अगर उसको किसी कब्र पे डाल देना तो कब्र के अंदर की लाश जिंदा होकर खड़ी हो जाएगी। इंजीनियस। वाओ दैट्स एक्साइटिंग हां। अच्छा खैर छोड़ो, हमारी फिल्म का टाइम हो गया है। चल चल लेट्स गो। बाय बाय भाभी जी। हां बाय बाय। डॉक्टर साहब हमें भी लेबोरेटरी पहुंचना चाहिए, बहुत काम बाकी है अभी। चलिए। क्या सपने भी सच होते हैं? अरे अंगूरी जी जब मैं 15 साल की थी ना तो मुझे इतने मुहासे होते थे, इतने मुहासे होते थे, मेरा पूरा चेहरा मुहासों से भर जाता था। हटिया कहाँ बोल रही हैं? आपको इतने डिंपल आते थे? आप पिंपल कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। इतने मुहासे आते थे? अरे अंगूरी जी इतने मुहासे आते थे कि स्कूल के सारे लड़के ना मुझे पिंपल क्वीन कहकर बुलाते थे। बड़ा गुस्सा आता था मुझे, और मैंने पता है क्या नहीं ट्राई किया, क्रीम लगाया, लोशन लगाया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता था। तो फिर ठीक कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ, मैंने अपनी मैथ्स की नोटबुक ढूंढ रही थी तो मुझे नानी के नुस्खों वाली किताब मिल गई। मैंने सोचा बड़ा इंटरेस्टिंग है, खोलकर देखती हूँ। खोलकर देखा तो उसमें मुहासों के लिए नुस्खा लिखा हुआ था। हाँ तो फिर का वो नुस्खा आपने आजमाया? अरे अंगूरी जी 15 दिन लगाया मैंने, और आपको पता है मुहासे तो गए, जो पुराने मुहासों के निशान थे ना वो भी चले गए। क्या बात करी है, और निशान भी चले गए। अनीता जी देखिए ना आजकल कितना गर्मी पड़ रहा है, हाँ कितना धूप पड़ रहा है, उसके लिए क्या करें? वही ना अंगूरी जी, मैं ना बड़े दिनों से वो नानी के नुस्खों वाली किताब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रही है मुझे। हाँ ना अनीता जी देखिए धूप में ना हमारा सब त्वचा काला पड़ता जा रहा है। वही ना, धूप में मेरा भी स्किन टैन हो जाता है। हम ना क्या करेंगे, हमारी चचेरी बहन है ना भूरी, उनको हम कॉल करेंगे, उनके पास वो नानी के नुस्खों का किताब है। अच्छा बहुरिया। ओ बहुरिया। अम्मा जी। हाय दिया। अम्मा जी और कितने दिनों बाद आई हैं आप, अपन नाम कर रहे हैं। हाँ। अरे अरे गोरी बिटिया भी आई है। क्या बात है गोरी बिटिया, तुम तो और भूरी भक्कर लग रही हो है। क्या अम्मा जी थैंक यू, अभी मैं और अंगूरी जी ना इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। अम्मा जी देखिए ना कितना धूप पड़ रहा है, कितना लू चल रहा है, हाँ हमारा पूरा स्कल काला पड़ता जा रहा है। वो ना स्किन कहना चाह रही है। सही पकड़े हैं, और देखिए ना हमारा त्वचा ना पूरा काला पड़ गया है। अरे तो हमारे पास एक ठो नुस्खा है, वो नुस्खा को लगाने से जो है त्वचा एकदम खिल उठता है और चेहरा एकदम चमक उठता है। क्या बात कर रही है अम्मा जी? अम्मा जी बताइए ना क्या नुस्खा है? कछु नहीं, खाली जो है बेसन में शहद मिला के लगा लो। हाँ अब बस बेसन और शहद? हाँ लेकिन शहद जो है वो एकदम असली वाला होना चाहिए, एकदम छत्ते में से ला के वो लगाना है।
थैंक यू अम्मा जी। समोसा खाएंगी? लाओ। आपके लिए भी लाते हैं नीता जी। खाली हमको खिलाते रहती हैं। अम्मा जी यही नुस्खा लगा के आप भी ऐसे खिल रही हैं ना? नीता पंडित रामफल का नुस्खा। हाँ हेलो बुरी। अम्मा जी से बात किए रहे ना तो हमको बताई हाँ कि असली मधुमक्खी के छत्ते का शहद को ना बेसन में मिलाकर लगा ले तो एकदम सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो लड्डू के भैया को बोलेंगे शहद लाने। भाभी जी आपकी आंखें तो खुद शहद के दो प्याले हैं, आपको शहद की क्या जरूरत है? अक्का बोले। सुनो। हाँ हाँ बुरी बाद में कॉल करते हैं। हाँ भाई भाई। भाभी जी अभी आप शहद का जिक्र कर रही थी। हाँ भरभूति जी देखिए ना कितना गर्मी पड़ रहा है, लू चल रहा है एकदम, उसकी वजह से ना हमारा त्वचा हमारा स्क्रीन ना एकदम काला पड़ता जा रहा है। सो क्यूट भाभी जी, वो स्क्रीन नहीं वो स्किन होता है। सही पकड़े हैं। और देखिए ना कितना काला पड़ गया है। भाभी जी लेकिन आपको शहद क्यों चाहिए? हाँ वही तो बता रहे थे तो अम्मा जी का नुस्खा बताई हमको कि बेसन में असली मधुमक्खी के छत्ते के शहद को मिलाकर उसका उपटन बनाकर अपनी त्वचा पर लगा लेंगे ना तो एकदम निखर जाएगा, ग्लोइंग हो जाएगा। भाभी जी वो ग्लोइंग होता है। सही पकड़े हैं। भाभी जी आपकी त्वचा को चमकदार बनाने के लिए हम अपनी चाहत का शहद आपको देंगे। आपको शहद ना ही चाहिए, हमको असली मधुमक्खी के छत्ते का शहद ही चाहिए। भाभी जी मैं पर्सनली जाऊंगा और आपके लिए मधुमक्खी के छत्ते का असली शहद लेके आऊंगा। I'll climb the tree and get the honey for you, honey. क्या बात कर रहे हैं? या honey. आप खुद जाकर हमारे लिए शहद लाएंगे? Sure, honey. ये तो बहुत अच्छा बात है, तो ले आइए ना जल्दी से, हाँ rest in peace. भाभी best of luck होता है, बस मैं अभी गया और अभी आया। सही पकड़े हैं। हमारे लिए भी शहद ला दे। तेरी अम्मा को भेज दे। मरता भी नहीं। अभी जी मैं चलता हूँ, बदतमीज आ गया। आई दिया तांग भरभूति जी, हमारा शहद बिका, शहद भी आ जाएगा। भाभी जी घर पर है? अरे तिवारी जी आइए आइए। कहिए भाभी जी आपकी क्या सेवा करें? तिवारी जी अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे ना आपसे एक जरूरी काम था। कहिए भाभी जी, आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है। आपकी ना जान तिवारी जी मेरे लिए यूजलेस है, वरना वो भी जरूर ले लेती। वैसे भाभी जी आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का जवाब नहीं है। अच्छा ये सब छोड़िए ना तिवारी जी, मुझे ना शहद चाहिए। शहद? अभी ले आते हैं दुकान से? अरे नहीं तिवारी जी, दुकान वाला शहद नहीं, मुझे मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ असली शहद चाहिए। अच्छा असली शहद चाहिए? अरे भाभी जी आपको शहद की क्या आवश्यकता है, आप तो स्वयं डाइट की हुई मधुमक्खी की तरह हैं, जिनकी जुबान से जिनकी बातचीत से स्वयं शहद टपकता है। वैसे आपको मैं मधुमक्खी नजर आती हूँ? नहीं भाभी जी आप समझ नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ एक तुलना कर रहे थे। क्या फालतू की तुलना कर रहे हैं आप? आपको मैं मधुमक्खी जैसी लगती हूँ? क्षमा चाहेंगे भाभी जी। नहीं मिलेगी आपको क्षमा। देखिए भाभी जी ऐसा ना कीजिए, कर दीजिए क्षमा, नहीं तो हम फना हो जाएंगे। ठीक है फिर एक ही शर्त पे मिलेगी क्षमा। क्या शर्त है बताइए? तिवारी जी आपने मेरे लिए असली शहद लेकर आ जाइए। बस इतनी सी बात भाभी जी, चिंता मत कीजिए, हम अपने हाथों से आपके लिए असली वाला मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ शहद लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच तिवारी जी। यार भैया मूंगफली वाले डाने में डाल दे। आंटी जी नमस्ते। यार मान लो कि अपन लंदन चले गए। ना मान लो का क्या मतलब होता बावले, हम तो लंदन जा रहे हैं। जानिमो अया कब जाएंगे यार? अरे तुम्हारी जान कसम यार, लंदन जाने को बहुत मन है रे यार। अरे यार मुझे भी सुन लो कि लड्डू की तरह गपक रहे हो बीच में। हाँ हाँ भाई बोल बोल बोल। यार मान लो कि हम लंदन चले गए और सही बात तो ये कि अपन को अंग्रेजी ना आती है और वहां पर चलती है अंग्रेजी, तो वहां पर अपन कहा बोलेंगे कहा समझेंगे, कुछ समझ में ना आ रहा है यार। अबे बावले हमें कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, हमें तो शौचालय में काम करना है, तो हमें शौचालय वाली अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यार
लेकिन यार ये शौचालय वाले अंग्रेजी कौन सी रहती है यार? मुझे यार दो चार शब्द आवे हैं अंग्रेजी में। देख भैया, जैसी कोई गेस्ट आएगा तो उससे कहना है वेलकम टू आवर टॉयलेट सर, आवर टॉयलेट इज वेरी नीट एंड क्लीन, यू फील स्मेल इन आवर टॉयलेट, इट इज ओपन 24 आवर्स फॉर यू, यू कम डेली इन आवर टॉयलेट विद योर फैमिली। वाह, मिल गया। यस, मिल गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों मर रहे हैं? यही सवाल हम लानत में लपेट कर आपके मुंह पे मारते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घुइयां छीलने आए हैं। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम जो घुइयां आप छीलेंगे ना, वो छिली हुई घुइयां हम घर ले जाएंगे। क्या है कि घुइयां के कोफ्ते खाने का बहुत मन है। बकवास मत करिए, ऐसे घुइयां पकड़ा दूंगा ना कि जो गुर्दे गले में आ जाएंगे आपके। ये किस टाइप की बकवास कर रहे हैं? बके किसने आए आप यहाँ पे? वो भाभी जी को दरअसल एकदम खालिस शहद की आवश्यकता थी, तो सोचा चलो ले आते हैं, तो फिर अब लेने आए हैं। आप किस लिए आए? भाभी जी को भी जरूरत थी ऑर्गेनिक शहद की, उन्होंने कहा था कि उन्हें प्योर शहद चाहिए, तो मैंने कहा छत्ता है यहाँ पे तो मैं ले आऊंगा। इन लोगों में संस्कार नाम का चीज ही नहीं है। भाभी जी का सवाल है तो फिर निकाल लीजिए शहद। आप भी निकाल लीजिए, भाभी जी का सवाल है तो। चलिए ना, सब निकाल लियो, जो कर लियो हम ऐसे ही। कॉलोनी का सबसे बड़ा चिराग आ गया। तुम दोनों में से कोई शहद ना ले सकते हो? एक्सक्यूज मी, पूछ सकता हूँ क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्यों, ये मधुमक्खी आपके रिश्तेदार लगती है क्या? तुम एक तो हमसे ऐसे चबड़ चबड़ करो ना करो तिवारी भैया, तुम्हें पता है जो कानून है जुर्म है, ऐसे शहद खोली हम निकाल लू। यार शहद निकालना कानून जुर्म है, हम शहद निकाल रहे हैं, कोई शराब नहीं निकाल रहे, समझे ना आप? यार हमें कितने टाइम से जानते हो, ससुर खूब निकालो, पथरा मारो, हाथी घोड़ा मारो, लेकिन कछु तो अपने ऊपर निछावर करके कछु तो दियो, हमारे का फायदा है, 500 रुपये निकालो। अच्छा निछावर चाहिए? ये अरे ओ अरे अरे मक्खियां मक्खियां चीत लेंगी यार। तिवारी जी, हाँ, छत्ता बहुत बड़ा है, बहुत शायद निकलेगा इसमें से। वाकई? तो फिर मारे। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से तो छालो यारों। बहुत बढ़िया यार। दरोगा जी, जेलो पीलो। यार जो तुम बिना पूछे झुका कर गो यार, क्या कर रहे हो तू यार? दरोगा जी एक बात बताओ, जब हम तीनों लंदन चले जाएंगे तो हम तीनों की याद तो आ गई ना तुम्हें? देखो लौंडो ऐसे हुए, शराब पी रहे हैं सामने, झूठ ना बोलेंगे। जब भी तुम्हारे अपनों लंदन चले जाओगे तो जो मोहल्ला का मंदिर है वहां में हम ऐसे मत्था टेकेंगे, अपनी जेब से 500 रुपया को प्रसाद चढ़ाएंगे। चाय के लिए ना कि हम तीनों लंदन में जाकर अच्छी नौकरी करें। ना ना लोनो ऐसा ना है, असल में क्या है, हम जब आज से बड़े खुश हो जाएंगे कि जहां हमारे मोहल्ला की तीन ठैया जो चिराने आती बदमाश बिसारी भाग गई। तुम लोगों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम लोगों ने मुझे इस जगह पे बुलाया है। मां साहब आपको इस जा वास्ते बुलाओ कि आप हमें यहाँ पर आकर आशीर्वाद दे सको। पगल है कि? पहुंचा दे आशीर्वाद। इधर को आ जाओ। अरे आशीर्वाद तो घर पे भी आके ले सकते थे। हाँ मास्टर जी, दरअसल बात यह है कि सूखे सूखे आशीर्वाद में मजा ना आता ना घर पे, इसलिए आपको जहाँ बुला लिया। तो क्या मैं मुजरा करके आशीर्वाद देता तब तुम्हें मजा आता? वास्तव वैसे जे आइडिया ना बुरा नहीं है वो। क्या कहा? अरे इतनु काय चेचे आ रही मार साहब, तुम माहौल बनु है बढ़िया, तुम्हारा मन कर रहे हो दो ठैया पैक तुम लगा लो, अंदर से तुम मन कर ही रहोगे। आ जाओ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ना है ऐसे बस संस्कार को ठेका तो तुमने ले लो।
जल्दी को संस्कार तो पप्पू सिंह, इस बात का जवाब हम जरूर देंगे। अरे अरे चले गए। क्यों भी? अरे आज ही दे दे उसे टीचर। मास्टर को जाने दे, गुल्लों को आने दे मेरी जान। फिर कहीं न गयो। आदाब 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 आदाब। गुलफाम कली जी, आज ना कुछ यादगार सी चीज दिखा दीजो। हाँ मजा आ जाए। हाँ गुल्लो रानी, आज तुम ऐसे जलवे दिखा दो मेरी जान, ऐसे जलवे दिखा दो कि उस जलवे की याद ना हमें बरसों तलक लंदन में आती रहे। बस ऐसा कुछ करके दिखा दो। अभी लीजिए हुजूर।